एमपी के रीवा जिले में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के 58वीं जयंती पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा परिवर्तन संकल्प दिवस नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी, राज्य सहित क्षेत्रीय जनमानस मौजूद रहे। वहीं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने बिजली, पानी, सड़क सहित आवारा पशुओं पर जमकर निशाना साधा। साथ ही इलाके की बिजली, सड़क, पानी सहित आवारा पशु, जले हुए ट्रांसफॉर्मर बदलने को लेकर एसडीएम पी के पांडे को ज्ञापन सौंपा। उनकी जो कांग्रेस की जो सरकार कितने साल लगाने के जरूरत थी, जब 3 साल पहले इतना लेट क्यों? ये चुनावी मैनेजमेंट है, केवल ध्यान बताने वाली बात है। और बनाना था तो क्यों नहीं बनाया? ये भी बड़ा एरिया है, पूरा पूरा यहाँ बड़ी पुरानी मांग है। इसको ज्योतर बनाना, कांग्रेस की सरकार है कि ज्योतर जिला बने। सनातन को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है, मुख्यमंत्री देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।